हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आप अपना खूब सारा ध्यान रख रहे हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपना सारा जो काम है उसको टाइमली कंप्लीट कर रहे हो. इज इट? यस वी आर, है ना? सो मैम आई है तो हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? We are going to be studying EVS. And EVS जब हमें पढ़ना होता है तो हम कौन सी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं? We study EVS from our textbook called Green Planet. तो सब बच्चे अब क्या करेंगे? You are going to take out your textbooks from the bag. And keep it on the table. अभी टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करनी है. अभी क्या करना है? सिर्फ टेक्स्ट बुक को बैग से निकाल कर टेबल पे रखना है. And I want all of you to sit straight. Okay. So अभी तक हमने EVS में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, मैम ने आपको ये समझाया है कि EVS का सब्जेक्ट जो है उससे हमें नॉलेज मिलती है अबाउट व्हाट द थिंग्स विच आर इन आवर एनवायरनमेंट. और जब हम एनवायरनमेंट वर्ड बोलते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट. मतलब हर वो चीज जो हमारे आसपास है उसको हम क्या कहते हैं? हमारी एनवायरनमेंट या हमारी एनवायरनमेंट का पार्ट. दैट थिंग्स फॉर्म आवर एनवायरनमेंट. नाउ अब मैम ने आपको ये भी समझाया हुआ है कि हमारी एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं एंड ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक चीज को अलग अलग करके पढ़ें. तो EVS का सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए EVS जो है उसको और अच्छे से समझने के लिए, EVS के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं? चीजों की ग्रुपिंग करते हैं. जो चीजें एक जैसी हैं हम उनको एक ग्रुप में पुट कर देते हैं. जैसे कि मान लो हाउसेस. अब कच्चा हाउस भी होता है, पक्का हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, टेम्पररी हाउस. अब बंगलो, हट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फ्लैट, टेंट, इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ने की जगह हम क्या करते हैं? हम जो हाउसेस एक जैसे हैं, मतलब परमानेंट हाउसेस जो होते हैं जैसे कि बंगलो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इन सब को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं. किसमें? परमानेंट हाउसेस में. टेंट, कैरावान, ऐसे जो हाउसेस होते हैं, जो टेम्पररी हाउसेस होते हैं, इनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं. इससे क्या होता है? हमें उस टॉपिक या उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज के बारे में पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है. ऑलराइट, सो आज की क्लास में भी हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया. वो पढ़ने से पहले मैम आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हैं
जो आप अभी करोगे. What is this activity? I want all of you to look around. I'm giving you 1 minute. अपने आस पास देखो कौन कौन सी चीजें हैं. All right? And उसमें से कोई भी 10 things के नाम हम discuss करें. All right, so you all have 1 minute to look around you and observe the things. Come on, अपने आसपास देखो. देखो क्या क्या दिख रहा है. मैम ने तो सिर्फ आपको 10 things बोली हैं देखने के लिए. आपको तो और भी ज्यादा थिंग्स दिख जाएंगी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो. ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास सिर्फ 10 थिंग्स होती हैं. वी आर सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स. कम ऑन, काउंट करो अभी तक कितनी चीजें दिख गई हैं. बहुत सारी चीजें हैं बेटा. जस्ट लुक अराउंड. You have a few more seconds left. Come on, 10 things around me. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time up. Ab aap nahi dekha. Now sit straight. Okay. So, हम सब ने अपने आसपास कुछ चीजें ऑब्जर्व करी. मे बी अ फ्यू ऑफ अस कुड ओनली सी 5 थिंग्स. मे बी अ फ्यू ऑफ अस कुड सी 7 थिंग्स. किसी को 10 की 10 थिंग्स दिख गई, किसी को 10 से ज्यादा भी दिख गई, है ना. तो एक बार देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें अपने आसपास दिखी. तो हम क्या करेंगे, 10 थिंग्स अराउंड मी. ओके, तो मे बी अ फ्यू ऑफ अस टेबल. कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको टेबल दिखी है अपने आसपास. टेबल तो बहुत से बच्चों को अपने आसपास दिखी होगी, है ना. देन मे बी वी सॉ अ बॉटल अराउंड, है ना. वॉटर बॉटल हो सकती है या किसी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो सकती है. इट कुड बी एनी बॉटल, राइट. बट वी ऑल हैव सीन अ बॉटल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ अस, है ना. दिस इज अ वॉटर, दिस इज वॉटर इन इट. ठीक है, और क्या दिखा है हमें आसपास. Did we see a pencil around us? Pencil तो सबसे पास पड़ी है बेटा, देखा उसको या देखना भूल गए. जो चीज सबसे पास है उसको तो हमने देखा ही नहीं, है ना. अब अगर pencil दिखी थी तो मे बी हमें इरेजर भी दिख गया हो. और क्या दिखा है अपने पास. तो हो सकता है हमें अपने पास एक विंडो भी दिखी हो, है ना.
विंडो है, इस पे कर्टन्स लगे हुए हैं। अच्छा, किसी को अपने पास बुक दिखी? बुक भी बहुत पास पड़ी है हमारे, पर हमने देखी नहीं, पता नहीं है ना। देन मे बी वी सॉ अ प्लांट अराउंड अस। कई बार हम घर के अंदर भी तो प्लांट्स लगाते हैं ना, राइट? व्हाट एल्स डिड वी सी? और क्या दिखा है अपने आसपास? बहुत सारी चीजें हैं। तो मे बी वी सॉ सम क्लोथ अराउंड अस, है ना? तो लेट्स से वी सॉ अ स्कर्ट, और मे बी वी सॉ सम सॉक्स, राइट? डिड वी सी शूज अराउंड अस? मे बी। है ना? लास्ट चीज बताओ, डिड वी सी अ फैन अराउंड अस? तो वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कुछ बच्चों को दिखी होंगी, कुछ बच्चों को इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दिखी होंगी। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, और ये जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, इनको समझने के लिए हम मेजरली इनको टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और उन टू ग्रुप्स को समझने के लिए हम आज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विच इज चैप्टर नंबर 16 ऑन पेज नंबर 59। और चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। व्हाट इज द नेम? नेचुरल मैन मेड थिंग्स। तो ये नेचुरल और मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं एग्जैक्टली? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो कम ऑन, आई होप ऑल ऑफ यू ओपन दिस चैप्टर, ऑल दोस इज नॉट क्विकली ओपन टू दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 59। सबने ओपन कर लिया ये चैप्टर? ओके, ग्रेट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। इट सेज देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं। सम आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड थिंग्स, मतलब कुछ चीजें जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं और कुछ चीजें जो हैं वो मैन मेड थिंग्स होती हैं। अब नेचुरल थिंग से हम क्या समझते हैं? द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर। आई एम रिपीटिंग, द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो चीजें नेचर से मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स, लाइक सॉइल,
रिवर जो नदी होती है, राइट, माउंटेन पहाड़, नदी, समुंदर, देन ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स, क्योंकि ये सब इंसानों ने नहीं बनाई है, ये सब नेचर में ऑलरेडी होती है। जैसे कि जब हमने 10 थिंग्स करी थी अराउंड मी, उसमें याद है मैम ने आपसे पूछा था कि किसी को प्लांट दिखा है, तो प्लांट क्या है? एक नेचुरल चीज है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय नेचर। अब पढ़ते हैं अबाउट मैन मेड थिंग्स। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, आई एम रिपीटिंग, द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। मतलब जो चीजें मैन ने, ह्यूमन बींग्स ने बनाई है खुद से, उनको हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स, लाइक अ कंप्यूटर, अ टेलीविजन, अ बस, अ चेयर, अ टेबल, कार, मोबाइल फोन, स्कूटी, टेबल फैन एक्सेट्रा। तो वो सब चीजें जो इंसान बनाता है खुद से, उनको हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स। और जितनी भी चीजें ये मैन ने बनाई हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? फॉर देयर ओन कन्वीनियंस, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए। आज आपके पास मोबाइल फोन है तो आप दूर बैठे हुए किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो। आपके पास व्हीकल्स हैं, बस, कार, स्कूटर, एरोप्लेन, शिप, तो आप वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। आपके पास कंप्यूटर है, आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट। सो आज हमने किन दो चीजों के बारे में पढ़ा जो हमारी एनवायरनमेंट में होती है? नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलती है, एंड मैन मेड, जो थिंग्स विच आर मेड बाय मैन। अंडरस्टूड द चैप्टर? वेरी गुड। अब आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क देके जा रही हूँ, दैट इज कि आप अपने आस पास 5 नेचुरल चीजें ढूंढोगे एंड 5 मैन मेड चीजें ढूंढोगे, और जो 5 मैन मेड चीजें ढूंढोगे और जो 5 नेचुरल चीजें ढूंढोगे, आप विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स फाइंड आउट कि इन चीजों का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।